जवानों की आवाज को गोली और बंदूक से दबाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज हम पहुंचे हैं देवरिया जिले के सदर विधानसभा में। यहां पे उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन माहौल अभी पूरी तरह से टाइट है। इस उपचुनाव में सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है दांव पर। सबसे अधिक प्रतिष्ठा उस पार्टी की लगी है जो इसमें सत्ता में है। बीजेपी के तमाम यहाँ पे जो मंत्री हैं वो दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले सत्ता में है बीजेपी। सवाल संजय जी आपसे ही होता है कि आप इस उपचुनाव में एक बार फिर से पूरे जोर शोर से अपना पूरा जो दम है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट आपने बाहर का क्यों चुना? आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे था, जो आपके विधायक थे, उनके दिवंगत होने के बाद उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं मौका दिया आपने? मेरे साथ कहीं ना परिवारवाद है, न कहीं कोई जातिवाद है, सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा देकर इसको चरितार्थ करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। लेकिन जन्मेजय सिंह के लड़के बागी हो चुके हैं, जगह जगह पर पिता के कामों को लेकर के जा रहे हैं, रो रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा किया उनसे, तो कहीं ऐसा तो नहीं बगावत भारी पड़ जाएगी आप पे? आज निश्चित रूप से उस दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूं, और जहां भी जन्मेजय सिंह होंगे उनकी अंतरात्मा रो रही होगी कि मेरा सुपुत्र बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ छलावा करके आज जो है मैदान में आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति और सभ्यता की है कि कहीं कोई छलावा नहीं करती है। अगर छलावा करती तो आज एक अदना सामान्य छवि के कार्यकर्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश मई त्रिपाठी को नहीं उतारती। चलिए राममोहन जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे विधायक समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं, सदर सीट पे भी आपने यहाँ पे अपने विधायक जो रहे हैं उनके रहते हुए काम तमाम बातें की हैं कि यहाँ पे विकास हुए हैं, लेकिन इस बार आपको ब्रह्मशंकर को यहाँ पे लाना पड़ा जो कुशनगर से अगर कहें तो रहे हैं। चूंकि देवरिया से उनका बहुत पुराना नाता है, देवरिया में उनका मकान भी है, और देवरिया की राजनीति में जब वो चुनाव लड़ा करते थे कस्या विधानसभा से, तो देवरिया का लगभग 3 हिस्सा विधानसभा का कस्या विधानसभा में पड़ता था। जो देवरिया में काम हुआ, इन तमाम विकास के सवालों को लेकर के एक बड़े नेता माननीय ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी को देवरिया में उम्मीदवार बना के लिए विकास के जो काम किए तो जनता उसका रिस्पांस देगी। ये सारे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ देवरिया की सम्मानित जनता की तरफ से, कि जब चीनी मिलें बिक रही थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में क्यों नहीं देवरिया की चीनी मिलों को? धर्मवीर जी, धर्मवीर ऐसा है धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आपके सवालों का जवाब पहले हम जनता से ले लेते हैं। जनता क्या सोचती है चीनी मिलों के मुद्दे पर, क्योंकि देवरिया में एक बड़ा मुद्दा है चीनी मिलों का। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उप चुनाव हो, हर बार चीनी मिले एक बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल आ रहा हूँ सर, लेकिन चीनी मिलों को लेकर के सर सवाल उठ रहे हैं। चीनी मिलों को लेकर के कितना काम हुआ, हर बार चुनाव में 17 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो, उससे पहले 12 के चुनाव हो, चीनी मिल खुलवाने के दावे कितने मिले खुली? जैसे अभी भाई साहब ने बोला, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बिकी हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो केंद्र में सरकार बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पडरौना में चीनी मिल चलाने की बात कह के पडरौना में चीनी मिल नहीं चलाई, और समाजवादी पार्टी ने हाटा में ढाणा में चीनी मिल लगा के एक कीर्तिमान स्थापित किया। चलिए देवरिया में सर, देवरिया में कितनी मिली खुली, देवरिया में कितनी मिलें चलनी शुरू हो गई? तक एक भी चीनी मिल खुलने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, और सरकारों की जहां तक बात रही, हम लगभग 31 साल से हम बाहर हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर हल्ला कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो इस प्रदेश को रेप कैपिटल स्टेट ऑफ द इंडिया कर दिए थे, और आज के डेट में माननीय योगी जी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमा पार कर दी है, सारी बलात्कार अपराध, बैंक डकैती, बलात्कार, छिनैती, ये सभी सरकार का काम हो गया है। आपके आपके सवालों को ले रहे हैं विश्वजीत जी, बताइए चीनी मिलों को लेकर के हमेशा एक राजनीति होती रही है, चीनी मिलों को लेकर के जब भी कोई सरकार आती है तो कहती है कि देवरिया की चीनी मिलें फिर से खुलवाएंगे, आपके हिसाब से कितने मिलों को लेकर के अभी तक सरकार ने
भाजपा की सरकार हो चाहे बीजेपी। देखिए पहली बार जो चीनी मिलों को बेच, एक मिनट बैठ गया ससुर, पहली बार चीनी मिलों को बेचने का जो फैसला हुआ, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देवरिया जो चीनी का कटोरा था उसे सिर्फ कांग्रेस की नवासी के पाले लगाई गई थी, और पहली बार चीनी मिलों को बेचने का फैसला बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय गन्ना मंत्री थे। और सुनिए, गन्ना मंत्री उस समय गन्ना मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, और फिर बाद की सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने भी चीनी मिलों को बेचने का फैसला आगे बढ़ाया। किन विकास की बात किसी मंच पे नहीं हो रही है? सदर जी अगर बात करें, सदर जी अगर बात करें, देवरिया सदर की अगर बात करें, सड़कों पर कितना काम हुआ? आज भाजपा की सरकार है, इनकी भी सरकार है। भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का, यहाँ विधायक भाजपा का रहा, यहाँ सांसद भाजपा का रहा, लेकिन आज भी शहर में मैक्सिमम मोहल्लों में पानी लगा हुआ है। विकास यही है, जिलाधिकारी करे चला गया। ये बताइए, आप विकास की बातें कर रहे हैं, विकास के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? विकास मतलब क्या होता है? विकास का मतलब यहाँ की सड़क अच्छी हो, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ बिजली मिले, यहाँ शुगर फैक्ट्रियां बने, यहाँ के स्कूल अस्पताल सब सुरक्षित रहो, ये विकास का मतलब है। भाजपा ने लगातार जो है यही प्रधानमंत्री दिए थे, और बैतालपुर और घोरी बाजार चीनी मिल को वो कह के गए थे कि भाजपा की सरकार बनेगी हम चलाएंगे, उन्होंने नहीं चलाया। इस सरकार में देखिए नगर की जितनी सड़कें हैं सब टूट गई है। रोजगार के मुद्दे पे नौजवान क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा? क्यों आप लोग जो ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं जो आपको ठगता है? ये सरकार नौजवानों की आवाज को गोली और बंदूक से दबाना चाहती है। अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति रोजगार के लिए सड़क पर निकल सर, बताइए ये भाई हमारे जो है रोजगार की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम जो सड़कों की बातें हो रही है, यहाँ पे जो युवा है उनको नौकरी की बातें हो रही है, आपको लगता है कि चुनाव में मुद्दा यही होता है या फिर अंत में जब बटन दबाने की बात होती है तो सब कुछ घूम फिर करके जाति समीकरण पे आगे सिमट जाता है? देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जो अभी बिहार में आप देख रहे हैं, आज का नौजवान जो 14 में जिसको ठगने का काम किया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि हम परिवारवाद नहीं करते। मैं पूछता हूं कि राजनाथ सिंह पंकज सिंह का क्या रिश्ता है? मैं पूछता हूं रमापति राम और शरद तिवारी का क्या रिश्ता है? मैं पूछता हूं कि आशुतोष टंडन और लालजी टंडन क्या रिश्ता है? पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है। मुख्यमंत्री रोजगार देने में नाकाम हुए हैं, अपराध रोकने में नाकाम हुए हैं। क्या चाहता है आज का युवा? क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा हमेशा पीछे हो जाता है ना। रोजगार की हमेशा बात की जाती है लेकिन बात वहीं पे खत्म हो जाती है जब चुनाव में मुहर लगाने जाते हैं लोग या फिर बटन दबाने जाते हैं, तो सारी बातें हवा में खत्म हो जाती हैं। आपको मौका क्यों मिल पाता? आपकी बातों को ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं जो प्रत्याशी होते हैं? जी, युवाओं की बातों को सुनना चाहिए। युवा आज बेरोजगार है, यहाँ तक कि सरकार ने कहा कि युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए। अब युवा पकौड़ा तलने के लिए तैयार है तो पकौड़ा प्याज और सारी चीजें इतनी महंगी है कि वो भी नहीं हम लोगों से हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग थे। बेरोजगारी को लेकर के क्या अभी तक काम हुआ है? आपको लगता है बेरोजगार की इस सरकार में हुई है, इस सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। इस सरकार में जो है केवल रोजगार को खत्म किया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2 करोड़ आंकड़े खत्म हो गए। सबसे एक चीज जो है, एक चीज आप नहीं उठा रहे हैं, एक चीज आप नहीं उठा रहे हैं, सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा मित्र जो आज गरीब हो गए, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, मिला है। और सबसे बड़ी बात इलाका मजदूरों का है, सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट गई। आज उन बच्चों के लिए क्या किया गया? खुद हमारे बच्चे आज पढ़ने स्कूल नहीं गया है, इसलिए कि उसकी फीस 10,000 आई है। मैं कहां से कमा के उसका फीस दूं? कहां से कमा के फीस दूं? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है संजय जी, जवाब आपको देना है। सरकार आपकी है, लगातार जो अभी कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद थे, अभिभावक सड़कों पर उतरे हैं, उनका सीधे तौर पर माना जब स्कूल नहीं तो फीस नहीं, लेकिन आपकी सरकार इस बात को लेकर सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर कुछ सीधे तौर पर नहीं कर सकते। क्यों भाई, आपके वोटर वो क्या नहीं है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या वो परेशान नहीं है? क्या उनके लिए दिक्कत नहीं थी? क्या किया सरकार ने आपको? मेरी सरकार ने जो सरकारी स्कूलें थी उन सरकारी स्कूलों को, सर कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं। प्राइवेट जैसे सरकारी स्कूलों में जूता और वस्त्र देने का काम
योगी सरकार ने किया है। आज जो है सरकारी स्कूलों की आप समीक्षा कर लीजिए तो उन सरकारी स्कूलों में चमचमाता हुआ स्कूल दिखाई दे रहा है। उन स्कूलों में लड़के जो है जाने को कितने लोग पढ़ाते हैं, आपकी पार्टी के कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? हमारे पार्टी के 80% लोग अपने प्राथमिक विद्यालयों में भेजने का काम करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बेहतर होती। चलिए हम अंतिम में आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहेंगे, विनोद जी बताइए, मुद्दे तो चलिए लेकिन होता कुछ नहीं है। चुनाव इस बार भी है, बाई इलेक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि मुद्दों पे चुनाव हो रहा है या फिर जनता जो आपके कैंडिडेट है उनके जांच के आधार पर वोट देने वाली है? दीपक जी एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ। अरे ये वही बजम है, ये वही लोग हैं, सारे राजनीतिक दल सुनिए, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, अरे ये वही बजम है, ये वही लोग हैं, ये तमाशे सब देखे दिखाए हुए हैं, न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू हमें आजमाए हुए हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था टोटल फेल्योर है, दूध मुही बच्ची से लेकर के 70 साल के माँ बहनों के साथ बलात्कार आम बात हो गई है। सुनिए लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाता ना, ये मुद्दा नहीं बन पाता, देवरिया की जनता ने सदन ने इस बार क्या मन बनाया है और उस मन के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका यहाँ पे विधायक जीतता भी है तो प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि आप अपनी मांगों को पूरा करा पाएंगे अगर आपके विधायक जीत? देखिए देवरिया की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी को भारी अंतर से चुनाव जिताने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देवरिया की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इसलिए चुनाव जिताने जा रही है, सरकार नहीं बिगड़ेगी लेकिन महंगाई पर रोक लगेगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा, नौजवान का जो रोजगार बंद है उसको रोजगार खोलने के लिए सरकार बाध्य होगी, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए इसलिए जनता ने मन बनाया है। राहुल जी, प्रियंका जी, अजय लल्लू जी आपकी पार्टी की काफी मेहनत कर रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश में जो उनकी जड़ें एक तरीके से कहें तो सूख गई थी उसको फिर से जीवित करने के लिए, आपको लगता है कि इस बार जनता विश्वास करेगी कांग्रेस? देखिए देश जब सबसे बड़े संकट में पड़ा कोरोना के समय में तो कांग्रेस की जो 3 योजनाएं थी, प्रधानमंत्री जी गाली दे देते थे, आलोचना करते थे मनरेगा की, जब इस कोरोना काल में रोजगार देने का सवाल आया तो वही मनरेगा सहारा बना, प्रधानमंत्री जी आलोचना करते थे फूड सिक्योरिटी बिल का, जब लोगों को अनाज देने की बात आई तो उसी मनमोहन सिंह की फूड सिक्योरिटी बिल काम आई, अस्पतालों की जब जरूरत है तो जो एनआरएचएम के माध्यम से हमने पैसा दिया था वही अस्पताल काम आ रहे हैं। और एक और बात कि जो आपने कहा राहुल जी, प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक दल के लोग जो एक मजरूर सरकार है, जो एक अहंकारी सरकार है, जो एक बलात्कारियों को सहयोग देने वाली सरकार है, जब उससे लड़ने का सवाल आया तो हल्ला करने वाले राजनीतिक दलों के नेता अपने घरों के अंदर डरे हुए बैठे हैं, अकेले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सड़क पर है। और इसलिए नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को देख रहा है कि सड़क पर कौन लड़ रहा है, जो राजनीतिक दल है अपने अपने घरों में छिप के बैठे हैं। इस मगरूर सरकार से, योगी की अहंकारी सरकार से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीती। चलिए तो देवरिया सदर में बातें काफी है, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन उन दावों पे अमल कितना होगा ये जनता तय करेगी। इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पे होगा और जो भी नेता मुद्दों पर अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रखेगा उसको वो इस बार जिताएंगे नहीं, और जो भी यहाँ पे विकास की बातें करेगा, जो भी यहाँ पे जो यहाँ के लोगों की समस्या है उस पर बात करेगा, इसी को देवरिया सदर से आज इतना ही प्रतिबद्धता देवरिया।